एक नंबर मूवी है, एक नंबर मूवी है फाड़ू एक्शन, एक नंबर फाइव से फाइव स्टार देना चाहता हूँ। अच्छा लगा, मालूम है मैं 27 को टिकट बुक कर लिया था, शायद मिले ना इसके लिए। अगर गानों की बात की जाए तो कितने गाने थे इसमें? गाने तो दो ही है। कैसे लगा आपको गाने? तो अच्छे, पहले तो ऑलरेडी देखा हो, अभी फिर से देखा हो, अच्छा लगा। ऋतिक और टाइगर में से बेस्ट कौन था? दोनों ही बेस्ट है, दोनों ही मेरा फेवरेट है। पाँच में से कितने देना चाहिए? पाँच में से पाँच ही मिलेगा। एक नंबर है, हम लोग देखने आए तो वो इतना पूरा दिल खुश हो गया मूवी देख के। ऋतिक और टाइगर दोनों फर्स्ट टाइम बड़ी स्क्रीन पे आ रहे हैं, मतलब दोनों में से अच्छा कौन लगा आपको? दोनों भी अच्छे लगे हम लोग को। एक्शन ज़्यादा किसका अच्छा लगा दोनों? एक्शन ज़्यादा मतलब टाइगर सर का ही अच्छा लगा। तो गाने की बात करें तो गाने कैसे लगे आपको? गाना भी मस्त है, एक नंबर। दोनों गाने कितने हैं? दोनों पसंद है आपको? नहीं, पहले वाला ही पसंद आया। और कितने स्टार देना? अच्छा दोस्तों, बहुत अच्छा। टाइगर और ऋतिक की बात करें, दोनों में से कौन अच्छा? ऋतिक। और ये एज नेल्ड इट। फिल्म का एक्शन कैसा था? एक्शन बहुत अच्छा था, दोनों ने एक्शन तो अच्छा किया है, बहुत अच्छा था एक्शन दोनों का, लेकिन ऋतिक वॉज बेटर दैन टाइगर। गाने सॉन्ग्स वेर नॉट गुड, गाने इतने अच्छे नहीं। 4 स्टार एटलीस्ट, 10/10 फॉर ऋतिक। वो तो हीरोइन तो आई थिंक 10-15 मिनट्स के लिए जस्ट, कोई बड़ा रोल नहीं, पूरा ऋतिक पे, मतलब ऋतिक रोशन। मज़ा नहीं आया। और ऋतिक और टाइगर की बात करें तो दोनों में किसका एक्शन काम दोनों किसका अच्छा? बहुत अच्छा एक्शन था टाइगर और ऋतिक का, एक्टिंग डेफिनेटली ऋतिक की ज़्यादा अच्छी थी। ऋतिक और वायर फिल्म से एक्सपेक्टेशंस थी कि मूवी बहुत ब्लॉकबस्टर होगी, बिकॉज वॉर एंड एवरीथिंग, बट उतना कुछ खास मज़ा नहीं आया। आई मीन ठीक ठाक था, इट्स ऑल अबाउट द एक्शन एंड ऋतिक के लुक्स एंड टाइगर के लुक्स, उसके अलावा कुछ खास था नहीं मूवी में। वाणी कपूर भी है, मैं वाणी कपूर से एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसका अच्छा खासा रोल होगा, बस उसका सिर्फ 5 या 10 मिनट का रोल है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग टू सी वाणी कपूर अलॉट, बट ऐसा हुआ नहीं। फिल्म में ना ना सिर्फ एक्शन और जस्ट जो भी उन लोग का लुक वुक दिखाया गया, बॉडी वॉडी दिखाया गया, उसके अलावा कुछ खास मज़ा नहीं आया। 2 बहुत ही अच्छी मूवी है, एक्शन सीन्स बहुत अच्छे हैं, फाइटिंग सीन्स वगैरह बहुत अच्छा है, जो स्टोरी लाइन है वो भी अच्छा ही है। किसका काम अच्छा लगा था? टाइगर श्रॉफ का बहुत अच्छा लगा। टाइगर श्रॉफ बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है। 4.5 मूवी वॉज वेरी नाइस, आई लाइक द प्लॉट, आई मीन आई लाइक द मूवी, आई लाइक द स्टोरी, बिकॉज टिल द क्लाइमेक्स द सस्पेंस वॉज देयर, एंड टाइगर श्रॉफ एंड ऋतिक रोशन मूवी, सो इट हैड टू बी गुड। So who is the best? Like Ritik Roshan has always been a, you know, superstar, and yes, Tiger Shroff is a newcomer. So, but he did his job very well, because Tiger Shroff as villain, we did not expect him to do this good, because we have already seen his movies as a very romantic hero. So that's why I like his acting. Storyline, direction, everything was very nice. So I liked it. Okay, and out of 5. मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।